आयुर्वेद के अनुसार बैंगन हमारी बॉडी में वात पित्त कफ को कंट्रोल करके उसको बैलेंस करता है। तो इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए स्मॉल साइज के बैंगन, जिसमें दो कट लगा करके इस तरह से उसको चेक कर लेंगे ताकि वो अंदर से क्लीन है या नहीं, और उसके बाद इनको गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके बैंगन को एक साइड में रख देना है। अब हमें चाहिए एक मीडियम साइज का टमाटर, प्याज, दो हरी मिर्च और आधा इंच अदरक के टुकड़े का पेस्ट। गर्म तेल में जीरा तड़काना है, उसके अंदर इस पेस्ट को भूनने के लिए रख देना है। साथ एक गेहूं के दाने के बराबर डली वाली हींग को घोल के इसके अंदर मिला देना है। अब एक कप चाहिए हमें कम खट्टा और गाढ़ा दही, जिसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च के साथ ही चौथाई चम्मच गरम मसाला मिला करके बढ़िया मिक्स तैयार कर लेना और इसको रख देना साइड में ताकि दही के अंदर मसाले अच्छी तरीके से फूल जाए। अब हमारे टमाटर और प्याज का मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है और इसमें तेल भी छोड़ दिया। इसमें मिलाएंगे एक चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे दही का पेस्ट। फ्लेम को कर देंगे लो। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए दही को भूनना है तब तक जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ने लगे। जैसे दही पक जाएगी स्वादानुसार नमक और इसमें मिलाएंगे हम पानी और एक उबाल आने के बाद इसमें फ्राई किए हुए बैंगन ऐड करेंगे और ढक करके 3 से 4 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही सब्जी के ऊपर इस तरह से तेल नजर आने लगे तो इसे गर्मा गर्म चावल या चपाती के साथ सर्व करें। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपीज आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।